गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक पांडे पेंटियम पॉलिटेक्निकल कॉलेज रीवा से आज फिर से जुड़ रहा हूँ आपके साथ एक नए लेक्चर नई क्लास के साथ। महाविद्यालय प्रबंधन इस उम्मीद और आशा में कि आप सभी घर में स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, लॉकडाउन के नियमों का पूर्णतः पालन कर रहे होंगे और जब तक आवश्यकता ना होगी, जरूरत नहीं होगी, तब तक आप सभी घर से बाहर नहीं निकलते होंगे। महाविद्यालय आपसे ये अपील कर रहा है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क अवश्य लगा के निकलें। यदि आपके पास मास्क है तो ठीक है, मास्क वगैरह नहीं है तो सिंपल टॉवल वगैरह कुछ भी अपना फेस कवर करके आप जाएं। ये महाविद्यालय प्रबंधन आपसे बार बार इस बात के लिए अपील कर रहा है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क, या मास्क नहीं है तो कोई किसी कपड़े से अपने मुंह को ढक कर अवश्य जाएं। ठीक है, तो आप इन सारी बातों को फॉलो करिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, क्योंकि यही एक ऐसी बात है और यही एक ऐसा काम है जो आपको आपके साथ कुछ बेहतर कर सकता है, आपको आगे तक ले जा सकता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, ठीक है, लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए। हम आज आपसे बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म में HUF, टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। HUF का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी हिंदू अविभाजित परिवार जो लगभग 100 से 150 वर्षों से एक साथ एक बिजनेस को कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, HUF कहते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब होता है जहां एक व्यक्ति से ज्यादा व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, एक व्यक्ति से ज्यादा लोगों के पास उसका मालिकाना हक होता है, ऑनरशिप होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो आज आपको वही बात करनी है, ठीक। मेंबर्स डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फॉर्म एंड HUF में क्या अंतर है, क्या होता है कि हम दोनों चीजों को एक ही मान लेते हैं कि दोनों एक ही है, वही हमारा HUF है, वही हमारा पार्टनरशिप है। हम उन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, उन दोनों में हम अंतर नहीं पता कर पाते हैं कि उन दोनों में अंतर क्या है। तो आज हमको ये पता करना है कि उन दोनों में क्या अंतर है, ठीक, क्योंकि दोनों अलग अलग है, दोनों का काम अलग अलग है, दोनों बहुत, हम HUF पढ़ते हैं केवल इनकम टैक्स, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म हम अकाउंटिंग के फील्ड में भी पढ़ते हैं, ठीक है, वहां भी हम देखते हैं। तो आज हमको बात करनी है कि डिफरेंस पार्टनरशिप फॉर्म और HUF में क्या अंतर है। सबसे पहली बात होती है मेंबर्स। पार्टनरशिप में जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबरों की संख्या 1 से 20 तक हो सकती है, वहां बाहर के लोग, कई अलग अलग क्षेत्रों के लोग आके काम करते हैं, लेकिन जो फॉर्म होता है HUF होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो उसमें घर ही के लोग काम करते हैं, उसमें कोई बाहर का व्यक्ति आगे काम नहीं करता, उसमें जो भी लोग रहेंगे तो किसके रहेंगे, घर के रहेंगे, वहां पे कोई बाहर का व्यक्ति आगे काम नहीं करेगा। फिर मेंबरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म में मेंबरशिप लेने की आवश्यकता होती है, सदस्यता की जरूरत होती है, लेकिन HUF में ऐसा नहीं होता, ठीक है, HUF में ऐसा नहीं होता। उसका कारण यह है कि वो जैसे ही उसका जन्म हुआ उस परिवार में, उस फैमिली में जहां पे बिजनेस हो रहा, तो ऑलरेडी उस परिवार, उस फैमिली का वो, उस HUF फैमिली का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का वो मेंबर हो जाएगा, उस बिजनेस का वो भागीदार हो जाएगा, साझेदार हो जाएगा, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता। यहां पे होता क्या है कि उसको आके उस बिजनेस में, उस व्यवसाय में शामिल होना पड़ता है। फिर हेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहां पे जो हेड होता है, या पार्टनरशिप में हेड सारे लोग होते हैं, सारे लोगों का मालिकाना मिलते हैं, ठीक है,
और नहीं भी मिलते, लेकिन एचयूएफ में इंजेक्शन मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंजेक्टेड लिमिट होती है, वो निर्धारित होती है कि कहाँ तक हमको देना है और कहाँ तक नहीं देना है। जो टैक्स रेट्स होते हैं उसमें पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप में एचयूएफ की अपेक्षा टैक्स के रेट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। पार्टनरशिप में जो टैक्स के रेट होते हैं वो एचयूएफ की अपेक्षा ज्यादा होते हैं। ठीक है, और इसमें जो क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म में, पार्टनरशिप फॉर्म में जो टैक्स के रेट होते हैं वो ज्यादा होते हैं एचयूएफ में, एचयूएफ की अपेक्षा, और एचयूएफ या यूएफ में टैक्स के रेट कम होते हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं इंपैक्ट ऑफ इंडिविजुअल इनकम। पार्टनरशिप एचयूएफ में इंडिविजुअल की इनकम में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे सारे लोग वर्क कर रहे होते हैं, सारे लोग मेंबर होते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में इंडिविजुअल इनकम में फर्क पड़ता है, क्योंकि वहां पे अलग अलग व्यक्ति काम करता है और उस व्यक्ति की इनकम अलग से काउंट होती है। ठीक है, और यहाँ पे एचयूएफ में क्या होता है कि एचयूएफ में एक व्यक्ति, जैसे ये हेड हो गया, ठीक है, ये हेड हो गया एचयूएफ में, ठीक, अब यहाँ पे ये सारे लोग उसके क्या हो गए, मेंबर हो गए, M1, M2, M3, M4। देखिए पार्टनरशिप में क्या होगा, पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में ये सारे, ये लोग क्या होते हैं, ये लोग हेड होते हैं। ठीक, ये लोग हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, ये सारे लोग हेड होते हैं। ठीक, पार्टनरशिप में, लेकिन एचयूएफ में एक ही व्यक्ति हेड होगा और बाकी सारे लोग क्या होंगे, मेंबर्स होंगे। क्या होते हैं वो, मेंबर होते हैं, सारे लोग हेड नहीं होते। तो ये हम आपसे आज हमने बात की, आपको हमने ये बताया रिवीजन क्लास में कि डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फॉर्म एंड एचयूएफ, पार्टनरशिप फॉर्म और एचयूएफ में क्या अंतर है। तो सबसे बड़ा जो अंतर होता है मेंबर्स का होता है, ठीक है, उसमें पार्टनरशिप फॉर्म में मेंबर्स निर्धारित होते हैं, एचयूएफ में मेंबर्स निर्धारित नहीं होते, कितने लोग भी आप उसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, और वो सारे लोग अपने बिजनेस को रन करते हैं, चालू करते हैं। फिर जो है मेंबरशिप होती है, तो जन्म से ही उनको, बर्थ से, उनके बर्थ से ही एचयूएफ में उनको मेंबरशिप मिल जाती है, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में उनको उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस बिजनेस में शामिल होना होता है। ठीक है, उस बिजनेस में वो शामिल होंगे, उस बिजनेस को रन करेंगे, वर्क करेंगे, तब वो शामिल होंगे। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उसमें शामिल नहीं होंगे। फिर अगला होता है हेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो हेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है एचयूएफ में, एचयूएफ में एक ही व्यक्ति हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। पार्टनरशिप में हेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कई सारे लोग होते हैं, जो जो उस बिजनेस को रन करते हैं, उस बिजनेस को रन करने में मदद करते हैं। फिर अगला होता है डिडक्शंस। ठीक है, एक बात और, सैलरी और रिमुनरेशन। ठीक है, तो होता क्या है कि पार्टनरशिप में सैलरी और रिमुनरेशन मिलता है, लेकिन एचयूएफ में सैलरी और रिमुनरेशन का ऐसा कोई प्रावधान नहीं रहता, क्योंकि उसमें सारे लोग जो होते हैं वो घर ही के लोग होते हैं, वो लोग उस काम को कर रहे होते हैं। वहां पे ऐसा नहीं होता कि वहां पे उनको सैलरी और रिमुनरेशन की हम बात करें, क्योंकि जो भी व्यक्ति होगा, ठीक, जो भी व्यक्ति शामिल होगा उस व्यवसाय में काम करेगा पार्टनरशिप फॉर्म में, उसको सैलरी की आवश्यकता होगी। लेकिन एचयूएफ में ऐसा नहीं होगा। एचयूएफ में ऐसा ना होने का कारण ये है, क्योंकि वो उनके घर का बिजनेस है, उनके परिवार का बिजनेस है, वो खुद उस बिजनेस को कर रहे हैं। हाँ, यदि अपने घर का कोई काम करेंगे तो हम इसकी अपेक्षा नहीं करेंगे कि हमको वहां से सैलरी और मजदूरी मिले। ठीक, रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है, मजदूरी। लेकिन यदि हम पार्टनरशिप में कहीं काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे हमको ये इस बात की अपेक्षा होती है कि हमको सैलरी या रेमुनरेशन मिले, क्योंकि यदि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा तो हम लंबे समय तक काम नहीं कर पाएंगे। इस बात की अपेक्षा हमारी रहती है, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होगा। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। इन सारे पॉइंट्स पे हमने आपको बात की, ये हमारे बेसिस ऑफ डिफरेंस, इन आधारों पे हम अंतर कर सकते हैं कि मेंबर्स, मेंबरशिप, हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सैलरी एंड रिमुनरेशन, डिडक्शन, एग्जेम्प्टेड लिमिट, टैक्स रेट्स, इंपैक्ट ऑफ इंडिविजुअल इनकम, इन अंतरों के आधार पे हम बात कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको ये रिवीजन क्लास में बताया।
फिर से हम किसी नई क्लास के साथ आपसे मिलेंगे, तब फिर हम आपसे कोई नई बात करेंगे। तब तक आप सभी लोग घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, लॉकडाउन के लिए।